अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब के इस चैनल में। आशा करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही ज्यादा मजे में होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप पीपल के पत्ते से दो लोगों को अलग कर सकते हैं। जी हाँ, आप अगर किसी का मन उच्चाटन करवाना चाहते हैं, उसे अलग करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये टोटका बहुत ही ज्यादा जाना माना है। ये उपाय करने से किसी को भी कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन आपकी जो मन की बात है वो पूरी हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी को अलग करना चाहते हैं और ये भी नहीं चाहते कि आप बुरे बने, तो आप इस तरीके से उनको अलग कर सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कई बार क्या होता है कि जो बीवी है या जो शौहर है उनकी आपस में बहुत ज्यादा बनती नहीं है, क्योंकि उनके बीच में कोई बाहर की औरत आ जाती है या फिर कोई बाहर के आदमी आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच की जो करीबी है वो दूरी में बदल जाती है। तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लेना है एक पीपल का पत्ता, और आप कोई भी एक पेन ले सकते हैं। आपको बस इसी का इस्तेमाल करना है। और इस उपाय को मैं आपको बताने से पहले ये कहना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कि कैसे आपको इस उपाय को करना है, जिससे कि आप अगर अपने शौहर को किसी और महिला से दूर करना चाहते हैं, या फिर ऐसे शौहर जो कि अपनी बीवी को किसी पराए मर्द से दूर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले पीपल का पत्ता लें और एक पेन ले लें। उसके बाद आपको पीपल के पत्ते पर लिख देना है ऊपर की तरफ यहाँ पर 786, और नीचे आपको लिखना है अपना नाम। यानी कि अगर इसको बीवी कर रही है तो वो सबसे पहले अपने शौहर का नाम ऊपर की तरफ लिख दे। यहाँ पर आपको शौहर का नाम लिखना है, और उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको प्लस करके लिखना है बीवी का नाम, यानी कि खुद का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। और उसके बाद आपको करना क्या है कि इसके नीचे की तरफ यहाँ पर आपको एक बार और लिखना है 786, और उसके बाद उस महिला का नाम लिखना है जो कि आपके शौहर की जिंदगी में दखल कर दे रही है, तो उस महिला का आप यहाँ पर नीचे नाम लिख दीजिए। तो जो भी महिला है उसका नाम आपको यहाँ नीचे लिखना है, महिला का नाम लिख दीजिए। और इसको आपको इस तरह से एक चौकोर यानी चारों तरफ से ऐसे बना देना है, एक दीवार जैसा इसके चारों तरफ आपको कर देना है। और उसके बाद आपको जब आप इसे कर चुके होंगे तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पर एक बार और 786 लिखना है। इस तरह से आपको इसे लिख देना है। और दोस्तों, इसके बाद जो अगला काम आपको करना है वो मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। आपको बड़ी सफाई के साथ इसको मोड़ना है, लेकिन मोड़ने से पहले आपको क्या करना होगा कि जहां पर आपने उस महिला का नाम लिखा है वहां से इस पत्ते को इस तरह से मोड़ दीजिए। और उसके बाद आपको इसे, आप चाहें तो इसे कैंची की सहायता से या फिर खुद अपने हाथों से ही आप इसे यहाँ से अलग कर दीजिए। इस तरह से आपको इसे सफाई से अलग करना है। अगर ना हो पाए ऐसा तो आप कैंची की मदद से भी कर सकते हैं, बस आपको इस पत्ते में से उस महिला का नाम अलग कर देना है। इस तरह से दोस्तों आपको ये अलग कर देना है, महिला का नाम अलग हो जाएगा, और आधा पत्ता जो आपने इस्तेमाल किया था जिसमें आपने अपने शौहर का नाम और अपना नाम लिखा था, इस तरह से इसको अलग रखना है। अब ये वाला हिस्सा जिसमें आपने उस महिला का नाम लिखा था, इसको आप बीच में से एक बार मोड़ दीजिए। और उसके बाद दोबारा एक बार मोड़ दीजिए इस तरह से, और आपको इसे ले जाना है और इसे बहते हुए पानी में आपको बहा देना है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपको इसे रुके हुए पानी में नहीं डालना है, इसे बहते हुए पानी में ही डालना है। ये पत्ता जितनी दूर जला जाएगा उतनी ही दूर ये महिला आपके शौहर की जिंदगी से चली जाएगी।
और उसके बाद आपको अपने वापस आना अपने घर पर, और जो ये आधा पत्ता जो हमने इस्तेमाल किया था इसको भी आपको बीच में से बस इस तरह से मोड़ देना है। जी हाँ, इसको बीच में से मोड़ने के बाद आपको इसे अपने तकिए के नीचे रखना है, और उसके बाद आप इसे एक रात के लिए आपको इस पे सो जाना है, और अगली सुबह जब आप उठेंगे तो सुबह सुबह आपको इस पत्ते को निकालना है, और उसके बाद अपने घर के पीछे जहाँ से भी आपने इस पीपल के पत्ते को उठाया था वहां पर ले जाकर आपको मिट्टी खोदनी है और मिट्टी के अंदर इस पत्ते को दफन कर देना है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से आपको ये काम करना है, कोई भी आपको देखने ना पाए जब आप ये काम कर रहे हो, या तो फिर आप उस समय जाएं जब बहुत अंधेरा हो और किसी को पता ना चले कि आप क्या कर रहे हैं। सुबह के समय जा सकते हैं आप, वो सबसे अच्छा समय होता है, उस समय जाकर आप इसे वहां पर गड्ढा खोद कर वहां पर दफन कर दीजिए। जब आप घर पर वापस आएंगे तो वजू करना जरूर, वजू करना मत भूलिएगा, वजू कर लीजिएगा, अपने हाथ पैर अच्छे से साफ कर लीजिएगा, और आप देखेंगे कि सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा, वो महिला आपके शौहर की जिंदगी से दूर चली जाएगी और आपके शौहर आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाएंगे। आपकी जो पहले जो बहुत ज्यादा तकरार हो रही थी, हर बात में जो तकरार हो रही थी वो भी बंद हो जाएगी। तो दोस्तों आप इसे कीजिए, अगर आपका कोई और मसला है तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां पर कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं। शब्बा खैर दोस्तों।